लड़के वालों द्वारा दहेज की खातिर रिश्ते तोड़ने के मामले बहुत देखे होंगे। हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा मामला जिसमें लड़की वालों ने दहेज न मिलने पर शादी से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सिविल लाइन्स में लकड़ी पक्ष ने दहेज में 2 लाख की डिमांड कर दी। इनकार करने पर बारात नहीं लाने की बात कही। सिविल लाइन्स के सलीमपुर बंगर गाँव निवासी युवक का रिश्ता मेरठ के किंठौर निवासी युवती से तय हुआ था। गोद भराई से लेकर लगन का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। बुधवार को किंठौर बारात जानी थी। दूल्हे के भाई सुखराम ने सिविल लाइन्स पुलिस को बताया कि मंगलवार रात लड़की पक्ष के लोग घर आए, 2 लाख की डिमांड की, पैसे नहीं देने पर बारात नहीं लाने की बात कही। बाद में फोन करके लड़की वालों ने यह भी बता दिया कि 2 लाख रुपए देने वाले के साथ ही शादी की जा रही है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स ने बताया कि मामला किंठौर का है, लिहाजा पीड़ित को वहीं जाकर शिकायत करने की सलाह दी गई है।